हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाई स्टडी सर्कल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इस लॉकडाउन के माहौल में पढ़ाई कैसे करें। काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स आए थे, मैसेजेस आए थे, कॉल्स आए थे कि सर पढ़ाई कैसे करें, हमारे पास स्टडी मटेरियल नहीं है, हमारे पास बुक्स भी नहीं है, हमारे पास पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, ना नोट्स हैं ना कुछ नहीं है, तो हम पढ़ाई इस माहौल में पढ़ाई कैसे करें, कहाँ से बुक्स अरेंज करें। और कुछ बच्चों के क्वेश्चन ये थे कि सर हमारे पास बुक्स तो हैं, लेकिन जो बुक्स हैं हमारे पास उनमें सिलेबस बहुत ज़्यादा है, उनमें से हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या नहीं पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम यही बताएंगे आपको, इस वीडियो के ज़रिए आज हम आपके यही डाउट्स क्लियर करेंगे, कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप किस तरह से अपनी पढ़ाई करोगे। और काफ़ी सारे बच्चों के ये भी डाउट्स थे कि सर हमें जो है पिछले साल के क्वेश्चन पेपर नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे हमें आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन पेपर किस तरह से आता है। तो बिल्कुल आज हम इस वीडियो में आपको क्वेश्चन पेपर भी अरेंज कराएंगे, यानी कि इसमें हम आपको तीन चीज़ें अरेंज कराएंगे। एक तो यह है कि आपको जो है पूरा सर आपकी जो बुक्स वगैरह हैं उनकी PDF मिल जाएगी आपको, और तो आपकी 10वीं 12वीं के जितने भी सब्जेक्ट हैं आपको सभी बुक्स की आपको PDF मिलेगी सभी। और जो है आपके जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर हैं 2012 से लेकर के 2018 तक, आपको सभी क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे। और फिर आपके पास बुक्स आ गई और क्वेश्चन पेपर आ गए, तीसरी चीज़ आपको बताई जाएगी कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है उनको उनसे। तो दोस्तों आपको देखो सभी को पता है कोरोना वायरस की वजह से देश में लॉकडाउन चल रहा है, हमें आज अब भी ये देखा जा रहा है कि रास्तों में लोग अब भी घूम रहे हैं, लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे। देखो हमें इसका पूरा का पूरा सहयोग करना चाहिए, हमें बिल्कुल रोड पर नहीं निकलना, पढ़ाई करनी है तो हमें घर से ही बैठ करके पढ़ाई करनी है। हम भी जो है ये कैंपेन चला रहे हैं वर्क फ्रॉम होम, तो हम भी जो काम कर रहे हैं घर से कर रहे हैं बैठ करके, बाहर किसी को नहीं जाना, आपको भी नहीं जाना बिल्कुल भी। अब जो भी पेरेंट्स वगैरह या जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने बच्चों को कहीं भी बाहर नहीं जाने दें। और जो है पढ़ाई आपको किस तरह से करनी है, आपको जो भी चीज़ आपको मटेरियल चाहिए स्टडी से रिलेटेड, आप हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताओ, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। काफ़ी सारे बच्चों का ये भी डाउट था कि सर एग्ज़ाम नहीं होंगे, बिना एग्ज़ाम दिए ही पास हो जाएंगे। नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, एग्ज़ाम ज़रूर होंगे, जैसे ही ये लॉकडाउन वगैरह ख़त्म हो जाएगा उसके बाद एग्ज़ाम ज़रूर होंगे। आज ही हमारी जो है NIS के अधिकारियों से बात हुई है, उन्होंने भी बताया, डिस्कशन हुआ था, मीटिंग हुई थी हमारी, कि उन्होंने बताया कि ऐसा भी जो है ऐसा कुछ नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं होंगे, बिना एग्ज़ाम दिए पास हो जाएगा, नहीं एग्ज़ाम आपके ज़रूर होंगे। यह थोड़ा सा डिले हो जाएंगे, अगर एग्ज़ाम लेट होंगे तो थोड़ा रिजल्ट भी लेट आएगा और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन भी थोड़ा लेट होंगे। तो स्टार्ट करते हैं, जो भी हमारे डाउट्स थे उनको वन बाय वन क्लियर करते हैं एक एक करके। तो डाउट्स क्लियर करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को थोड़ा शेयर कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दो, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को हमारी लाइक कर दो। तो जैसे देखो आपको पता है जो हमारे 10th और 12th के जो और ऑन डिमांड के जो हमारे एग्ज़ाम थे वो सारे के सारे एग्ज़ाम क्या हो चुके हैं, हमारे पोस्टपोन्ड हो चुके हैं अभी तो फिलहाल। तो सारे एग्ज़ाम हमारे थ्योरी के और प्रैक्टिकल के जो भी एग्ज़ाम होने थे मार्च और अप्रैल में, वो सभी के सभी पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। और ये एग्ज़ाम हमारे मई या फिर जून में जा कर के होंगे, जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद कोरोना वायरस का इफेक्ट जैसे ही ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ये हमारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे। अब बात आती है जो जिन बच्चों के ये डाउट्स थे कि सर हमारे पास जो है बुक्स नहीं है, हमारे पास कोई स्टडी मटेरियल नहीं है, हमें स्टडी सेंटर से बुक्स नहीं मिली, तो अब हम कैसे पढ़ें। तो देखो ये 10वीं क्लास के लिए लिंक इस तरह से दिया गया है, 12th क्लास के लिए ये लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके इन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक इस तरह से विंडो खुल करके आएगी। जैसी ये विंडो खुल करके आएगी तो यहाँ पर क्या है आपके सामने, ये आपके 10th क्लास के सारे सब्जेक्ट हैं, ऑल सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर आपके, उनके सामने इनके कोड भी दिए गए हैं। ये हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, अरबिक, मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, यानी कि NIS के अंदर जो भी 10th क्लास में सब्जेक्ट होते हैं तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट इसके अंदर आपके हैं। इसमें आपके ऑल सब्जेक्ट्स की आपको बुक मिल जाएंगी, अगर आपका मीडियम अलग है, तेलुगु है, उड़िया है, गुजराती मीडियम, तमिल, तो आपको उन लैंग्वेज में भी ये सारी की सारी बुक्स मिल जाएंगी। तो यहाँ से आप इनको बुक्स को डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड करने के बाद आपके पास स्टडी मटेरियल तो
आ गया। और अगर 12th वालों की बात करें तो 12th वाले बच्चे यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करेंगे, और जैसे 12th वाले इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो उनके सिलेबस की ये विंडो खुल करके आ जाएगी। इस तरह से जो 12th के कोड हैं वो 300 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 301, 302 हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, इनके भी सब साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तीनों के सब्जेक्ट इसमें गिवन है। जो भी आपने सब्जेक्ट्स लिए हैं सभी सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आप उस पर क्लिक करोगे, यहाँ से उसकी बुक्स की PDF को आप डाउनलोड कर लोगे, तो यहाँ से तो आपके स्टडी मटेरियल पूरा का पूरा अरेंज हो गया। काफी सारे बच्चों के डाउट्स ये थे कि सर जो है अब हम क्वेश्चन पेपर कहाँ से अरेंज करेंगे, तो देखो क्वेश्चन पेपर के लिए भी हमने ये एक लिंक दे दिया है। तो आपको इसमें जो है 10वीं और 12वीं के दोनों के एक साथ क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं 2012 से लेकर के 18 तक। इसमें 10वीं वाले बच्चे भी और 12th वाले बच्चे दोनों ही, जैसे इस पे क्लिक करोगे आप तो आपके सामने ये वाली विंडो खुल करके आ जाएगी। इसके सामने ये विंडो आपके सामने खुल करके आ जाएगी जी, और इसमें आपके 10वीं और 12वीं के सारे पेपर दिए गए हैं। देखो सबसे पहले बात करें 10वीं की, तो 10वीं के आपके 2012 से लेकर के 15 तक के तो पेपर यहाँ पर दे रखे हैं, और इसमें ये सारे ही सब्जेक्ट हैं आपके, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, पंजाबी, सब लास्ट तक हैं ये। उसके बाद नीचे ये टेबल दी गई है 12th के लिए, सीनियर सेकेंडरी के लिए, ये जो टेबल है ये सीनियर सेकेंडरी के लिए, इसमें भी आपके 2012 से लेकर के 15 तक के हैं, और जो 2012 से लेकर 15 तक के तो आपके पेपर यहाँ पर हो गए। इसके बाद हैं आपके 16 से लेकर के 17-18 के पेपर आपके यहाँ पर दे रखे हैं। देखो 2016, 2017, 2017 जो सेकेंडरी लिखा हुआ है वो 10वीं क्लास का है, जहाँ सीनियर सेकेंडरी लिखा हुआ है आपका ये आपका 12th क्लास का है। तो आपके आप यहाँ पर इनमें इन पेपर को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो आप जो भी सब्जेक्ट का पेपर डाउनलोड करना चाहते हो, जैसे मान लो आपको जो है संस्कृत का पेपर डाउनलोड करना है तो 2013 का चाहिए तो इस पे क्लिक कर दो, 2014 का अक्टूबर का पेपर चाहिए तो यहाँ पर क्लिक कर दो, तो आप यहाँ से पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। तो दूसरा काम आपको ये करना है, सबसे पहला काम क्या करना था आपको, बुक्स सिलेबस डाउनलोड करना था, और पहला काम आपको सिलेबस जो बुक्स हैं वो डाउनलोड करनी है, और दूसरा काम क्या है आपका कि आपको जो है दूसरा काम यह कि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं। तो पहला काम आपका क्या हो गया, आपको बुक्स डाउनलोड करनी है दोनों, अगर आप 10वीं क्लास में हो 10वीं की, और 12वीं क्लास में हो तो 12वीं की, और दूसरा काम क्या आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं। तो आपको देखो कितने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने, इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आपके दिए गए हैं, तो आपको इतने सारे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं करने, आपको केवल 3 पेपर कर लो। 3 पेपर करने के, जैसे 3 पेपर आप डाउनलोड करोगे तो उसमें जो भी क्वेश्चन आंसर दिए गए आंसर्स आप अपने अपनी बुक्स में देखोगे, जो आपने बुक्स डाउनलोड करी करी हैं जिस सब्जेक्ट की भी, तो वहां पर आप उनके सॉल्यूशन देखोगे और अपने एक नोट्स बना लो। तो अगर आप इन 3 पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लोगे, NIOS में पेपर बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, पिछले 3 साल के पेपर ही कर लो आप, उसमें भी आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप फिर अच्छे से पूरे सिलेबस को पढ़ लो, अगर आप कम पढ़ना चाहते हो तो आप कम टाइम में आराम से इसको अच्छे से क्लियर कर सकते हो। तो आपके पास एक मेथड तो हो गया पढ़ने का, ये दूसरा तरीका क्या है आपके पास पढ़ने का कि आप, हमने जो है बहुत सारे चैप्टर्स की वीडियोस बना रखी हैं NIOS की, 10वीं की भी 12वीं की भी, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, SST वगैरह, तो हमने इन सब्जेक्ट्स की, बहुत सारे सब्जेक्ट्स की हमने वीडियोस बना रखी हैं, पेंटिंग की बना रखी है, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियो बना रखी हैं, 1 नंबर के क्वेश्चंस, 2 नंबर के क्वेश्चंस, तो उसके अंदर जो भी आपके 1 नंबर के क्वेश्चंस हैं, 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी हमने वीडियो बना रखी हैं, तो आप जो है उन वीडियो को जाकर के उन्हें देख सकते हो और वहां से अपनी तैयारी कर सकते हो। अगर मान लो आपको आपके सब्जेक्ट की कोई वीडियो वहां पर नहीं है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो कि सर हमें इस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, तो हम उस सब्जेक्ट की वीडियो बना करके आपको दे देंगे, और जो है आप उससे आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको आपका कोई भी डाउट है ना इससे रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में, हमारा नंबर भी दिया गया है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है आप उस पर कॉल कर सकते हो या फिर मैसेजेस कर सकते हो, तो आपको घर बैठे ही सारी जानकारी मिल जाएगी। देखो बहुत सारी अफवाहें उड़ रही, अफवाह ज़्यादा फैल रही है कि ये होगा ये नहीं होगा, तो ऐसी अफवाहों में किसी में नहीं आना, फालतू की वीडियो आपको नहीं देखनी। आप हमारे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हो, तो हमारा भी एक जो है कर्तव्य बनता है आपको सही सोर्स प्रोवाइड कराएं, तो हम आपको देखो पूरा का पूरा एक सही सोर्स प्रोवाइड कराएंगे आपको। तो ये जो भी बुक्स और ये हमने जो पेपर आपको दिए हैं सब ये NIOS की वेबसाइट से ही लिंक कॉपी करके यहाँ पर आपको दिए गए हैं, आप हर सब चीज़ वहाँ से इजीली डाउनलोड
कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है या आपके एडमिशन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है उस पे हमें व्हाट्सएप करके हमसे सारी जानकारी ले सकते हो, घर बैठे ही सारी जानकारी ले सकते हो। बाकी जो है लॉकडाउन का अच्छे से पालन करें और जो है खुद भी स्वस्थ रहें और देश को भी स्वस्थ रखें। चलो मिल दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जो है इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और जो भी आपके NIOS वाले फ्रेंड्स हैं उनके साथ तो ज़रूर शेयर कर देना, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडी इन पाई स्टडी।